नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले के तहसील सोनकच में बीती रात नाबालिग युवक पर चाकू से हमला कर दिया। परिजनों द्वारा 108 की मदद से देवास जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बीती रात सोनकच के रहने वाले जसपाल उर्फ राजा पिता सुरेश बघेल उम्र 16 वर्ष को कालीसन नदी के किनारे शमशान घाट के समीप कुछ युवकों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे परिजन 108 की मदद से देवास जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार कर युवक को इंदौर रेफर किया गया। इंदौर में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजन राम सिंह बघेल ने बताया कि हमारा पुराना विवाद चल रहा है, जिसके चलते दबंगों ने हमारे मकान भी तोड़वा दिए और आज मेरे अंकल के लड़के भाई पर चाकू से हमला करवा दिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि बच्चों के दो ग्रुप थे, 17-18 वर्ष के। इनका कई दिनों से आपस में विवाद चल रहा था, उसी के चलते यह घटना हुई है, जिसमें घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उस मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 आरोपी नाबालिग है एवं 1 बालिग है। आगे पुलिस जांच कर रही है। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। गांव का सोनकच का क्या मामला, क्या हुआ है अभी? सर, हमारा जमीनी विवाद है। हाँ? और उसमें श्याम सिंह बघेल और विजय सिंह बापू। हाँ? और ये हमारा जमीनी विवाद में हमारा मकान भी, और जो प्रधानमंत्री के द्वारा योजना मिलती है। हाँ? वो मकान भी हमारे 5 मकान उगा दिए। हाँ? और उसके बाद उनका विजय सिंह बाबू का भतीजा। हाँ? और उनका दोनों छोरे। हाँ? और श्याम सिंह। हाँ? जो बीजेपी का और संघ का होके। हाँ? हमारे बच्चों को चाकू लगवाए। अच्छा, और क्या नाम है जिनको चाकू लगे? इसका नाम राजा, मेरा अंकल का लड़का। अभी किस बात पे विवाद हुआ सर? ये बच्चा ये जमीनी विवाद पे हुआ सर। हमारी जमीनी विवाद का अभी अगली तारीख थी श्याम सिंह के यहाँ। हाँ? और उन्होंने अगली क्या जमीनी विवाद क्या चल रहा है सर? हमारा यानी कि हमारा काकू का मर्डर हुआ। हमने कोई पार्टी से एक एक मर्डर हो गए। हाँ? और हमारा सर मकान भी रुकवा दिए। हाँ? और हमारा ये जमीनी विवाद है मध्य प्रदेश का। अच्छा अच्छा। अब सर हमारे बच्चे उनको चाकू लगवा लिया, हम क्या करें सर? मेरे कान फोन आया था कि तेरे अंकल को छोटे लड़के को चाकू मार दिया। तो मैंने जी सर, मैंने अस्पताल से जाके देखा और इनने बोला क्या कि वो इनके परिवार के ने इनने ऐसा करा है, वो दूसरे अदर समाज के छोरे से चाकू मेरे अंकल के लड़कों को चाकू मारवा है। वो साजिश करता में श्याम सिंह बघेल, विजय सिंह बापू और गबा और उसके विजय सिंह बापू के लड़के। कौन है ये? हमारे समाज के हैं और हमारे जमीनी ये सोनकच ठाकुर शेरी और 13 नंबर वार्ड। अच्छा, आप भी सुनकर देते हो? मैं भी सुनकर 13 नंबर वार्ड। अभी चाकू का अभी चाकू का ये बीजेपी से अभी चाकू कहाँ पे मारे हैं? चाकू उसको पत्नी मारा सर। कहाँ पे मारे हैं? मैं ये सर ये मेरे को जानकारी नहीं मालूम, बल्कि हाँ बच्चे ने बोला कि मैं काली से मार के जी इधर था, उनको चाकू मारा सर। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम राम सिंह बघेल और उर्फ मंगल। थाना सोनकच में एक कल रात को घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बालक को चाकू से वार किया गया था। उस घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में देवास पहुंचाया गया। साथ ही साथ घटनाक्रम कैसे हुआ इस संबंध में भी पूछताछ की गई। पूछताछ में जो तथ्य आए उस हिसाब से प्रकरण में धारा 307 का FIR किया गया और जो आरोपी चिन्हित थे उनकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान आज प्रातः पता चला कि जो घायल बालक था उसकी मृत्यु हो गई है और इस तरह से मामला हत्या का प्रयास न हो कि हत्या का रूप ले लिया है। और जो इस मामले में आरोपी थे 4 नामजद व अन्य, उन 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जो पकड़े गए आरोपी हैं उसमें 4 अभी नाबालिग लग रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी उनका डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाना है और 1 आरोपी बालिग लग रहा है। इनका जो घटना का कारण समझ में आया है कि कुछ बात को लेके बच्चों के 2 ग्रुप थे जो 17-18 साल की एज के थे और इनका कई दिनों से आपस में तनातनी चल रही थी। उसी तारतम्य में इनका ये घटना हुई है, जिसमें आरोपी पक्ष के द्वारा रोक के अपने मृतक को चाकू मारा गया था, जिसमें पहले इनको घायल रहे इलाज रहे, इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। उक्त मामले में चूंकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और प्रयास रहेगा कि कानून के दायरे में जो भी अधिक से अधिक सजा हो सकती है वो उनको दिलवाई जाए। सर, परिजनों का कहना है तो कोई जमीनी विवाद चल रहा था उनका पुराना, पूर्व में भी दोनों पक्षों की तरफ से कोई हत्या हुई सर? जमीनी विवाद का एक मामला आया था, लेकिन इस घटना के संबंध में जो FIR हुई उसमें जो पूरी स्टोरी सामने आई तो कुल 4 लोग और अन्य 1 व्यक्ति का नाम परिजनों ने ही बताया था, उन्हीं के कहे अनुसार इसमें FIR हुई थी। और जब पुलिस ने तस्दीक की तो उक्त बात होना सही पाया, इसमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। इन 5 लोगों को पुलिस ने अप्रिहेंड किया है, जिसमें से 4 नाबालिग होना प्रतीत हो रहे हैं और 1 बालिग है।
अब जैसा बताया गया इस मामले में आगे जांच पूरी करके चालान किया जाएगा और कोशिश की जाएगी अधिक से अधिक सजा आरोपियों को दिलवाई जाए। नाबालिग बच्चों के हाथ में इस तरह के चाकू होना हाँ चाकू जो है वो काफी बड़ा ऐसा चाकू नहीं है, सामान्य तरीके का ही चाकू दिख रहा है, लेकिन निश्चय ही अगर कम उम्र में बच्चे अपराध की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं तो इसमें समाज को परिवार को ध्यान देने की जरूरत है, इसमें पुलिस के भी सहयोग की आवश्यकता है। तो जहाँ हमारा रहता है प्रयास की जहाँ बैठक वगैरह होती है जनसंवाद होता है वहाँ जो परिवार के लोग हैं उनके गार्जियन हैं उनके साथ बात करके समझाया जाए कि उनके बच्चे की क्या गतिविधि है, किसके साथ उतना बैठना है, क्या उसका क्रियाकलाप रहता है दिन भर का, उस पर परिवार के लोग भी नजर रखें और कहीं बच्चा अगर रास्ता भटक रहा है तो उसको सही दिशा में ले आए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।